उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसी ब्लास्ट के बाद मॉल में लगी आग। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज के जॉय टाउन थाना अंतर्गत टैगोर टाउन में बालसन चौराहे के पास फैशन रिटेल श्रृंखला फैशन फैक्ट्री के शोरूम में रविवार की शाम आग लग गई। एक मॉल की ओपनिंग से पहले टेस्टिंग के दौरान रविवार की शाम में एसी का कंप्रेसर फट गया, जिसके बाद इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, देखते ही देखते मॉल में धुआं भर गया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई भी जनहानि का खतरा नहीं हुआ। अग्निशमन अधिकारी कुमार पांडे ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही हम वहां पहुंच गए, आग पर काबू पा लिया गया है, 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एसी की टेस्टिंग की जा रही थी तभी ब्लास्ट हुआ और बाकी की एसी में आग लग गई। जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव पांडे ने बताया कि रविवार की शाम फैशन फैक्ट्री प्रतिष्ठान के भूतल में बने ट्रायल रूम में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली, जिस पर दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगाई गईं। उन्होंने बताया कि दमकल की गाड़ियों के अलावा एक फायर टेंडर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एरियल एक्सटेंशन लैडर भी मंगाया गया था, जिसकी मदद से प्रथम तल से 6 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पांडे ने बताया कि 3 घंटे में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बालसन चौराहे पे जो है एक माल है, फैशन फैक्ट्री नामक माल नया खुल रहा था, इसी में आग लगी थी। हम लोग आग के सूचना में हम लोग 3 फायर टेंडर लेके यहाँ मौके पर पहुंचे। यहाँ पहुंचे पूरे मॉल में धुआं, 2 बेसमेंट इसमें है और ग्राउंड प्लस 3 बिल्डिंग है और पूरा बिल्डिंग से धुआं निकल रही थी। हम लोग तत्काल मौके पहुंचे, बीएस सेट लगा के जो है अपने आदमियों द्वारा करीब हम लोग 10 आदमियों को बाहर निकाले, सकुशल उनको बाहर सुरक्षित निकाले। उसके पश्चात जो हम लोग 2 फायर टेंडर से अग्निशमन कार्य किए, पीछे से धुआं ज्यादा होने के कारण जो हम लोग ब्रीदिंग अपरेटस का प्रयोग किए और आग को बुझाए। फिर आगे जो है धुआं काफी निकल रहा था, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो है उस गाड़ी से जो हम लोग अग्निशमन कार्य कर रहे हैं। अब आग जो है कंट्रोल स्थिति में है और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ये एसी की टेस्टिंग कर रहे थे, एसी ब्लास्ट कर जाने से इनके जो है कई एसी साथ में ब्लास्ट कर गए। अच्छा। उसके कारण जो है आग पकड़ ली। इसमें अंदर कपड़े का गोदाम है और तमाम हैंगर्स फर्नीचर वगैरह हैं, सब जल रहे थे, उसको बुझाया जा रहा है। कितने का नुकसान का कुछ? अब इसका अनुमान तो अभी नहीं लगाया जा सकता, जांच के बाद पता चलेगा। ये है कि अब कंट्रोल स्थिति में है आग। जी जी, कितनी गाड़ियां लगी? गाड़ी पूरी इस समय 7 गाड़ियां लग चुकी हैं और एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब